Right. Hi. Hello. Hi, sir. Hi. Could you please introduce yourself? Apna naam bataiye. I'm Dhrutiman Singh and I'm from Dehradun. Dhrutiman Singh, aap Dehradun se hain? Yeah, myself Ashutosh Kaushik and I'm from Haridwar, Uttarakhand. Achha, Ashutosh Kaushik, aap Haridwar se hain. Yes. To mere saath hain do joshile navyuvak jo aaye hain Chamba participate karne Rally of Chamba mein. First time in Rally of Chamba. Haan ji. So it's a very nice experience for us. बहुत अच्छा लगा ट्रैक देख के. पहली बार ऐसा ऑटोग्राफ स्टाइल ट्रैक किया हमने एंड बहुत फन था. बारिश भी हुई तो काफ़ी अच्छा हुआ सब कुछ. अच्छा एंड ऊपर से रेन हो गई तो और थोड़ा ग्रिप मिल गई थी तो काफ़ी मज़ा आया ऐसे चलाने में. सही था आज का मज़ा आया. तो पहले ये बताइए कि आप इससे पहले किसी रैली में पार्टिसिपेट कर चुके हो? दिस इज एक्चुअली माई सेकेंड रैली. ये भी दूसरी रैली है. मैंने पहली रैली रैली ऑफ हिमालयस में करी थी. अपोजिट मनाली, कुल्लू मनाली. तो वो थोड़ा टफ था. आई डेंट फिनिश द रैली. वहाँ DNF हो गया था मेरे साथ लकीली. तो क्या हो गया था? DNF हो गया था. आई डिड नॉट फिनिश द रैली. अच्छा, डिड नॉट फिनिश. बाइक में प्रॉब्लम हो गया था एंड ऑल दैट. सो इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस. कभी पता नहीं था इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में ऐसे चलती है बाइक्स वगैरह. बट अब इस बार हम रेडी होके आए हैं. सो होपफुली वील मतलब ट्राई आवर बेस्ट एंड देखते हैं क्या होता है. अच्छा, आप बताइए, आपने इससे पहले कभी पार्टिसिपेट किया है? फर्स्ट रैली बेसिकली. तो मैंने सुपर क्रॉस रेसेस किया एंड एंड्यूरो रेस किया एक बारी. बट रैली मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ. बट ये थोड़ा मोटोक्रॉस ट्रैक था तो फैमिलियर था थोड़ा मैं. एंड हम ऊपर से पहाड़ में चलाते रहते तो इस ट्रैक से फैमिलियर है. बट आप तो हरिद्वार से हो. हरिद्वार तो प्लेन्स है. हरिद्वार प्लेन्स है बट उत्तराखंड है ना, तो हम जाते ही रहते हैं. हरिद्वार में रहने का मतलब देहरादून है. हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में, लीड करते हैं राइडिंग वाले. माउंटेंस में घूमते हैं. वी वेरी फैमिलियर विद द माउंटेंस. तो कहाँ गए उत्तराखंड में? कहाँ कहाँ गए आप? उत्तराखंड में फुल उत्तराखंड मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ बेसिकली. तो मैं पूरा कर चुका हूँ उत्तराखंड. थोड़े बहुत ट्रैक रह चुके हैं जो रिमेनिंग है, जो मैं अब कर दूंगा कुछ टाइम में. हाँ, ही एक्चुअली गन फुल ऑफ उत्तराखंड. ये पूरा उत्तराखंड ट्रैक कर चुका है. अरे वाह, थोड़ा सा बात रहता है. अच्छा, तो आज आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? आज जो आपने यहाँ किया, प्रीटी गुड. काफ़ी अच्छा है, मज़ा आया. बाइक अच्छे से चल रही थी, पकड़ पा रहे थे. बट थोड़ा एकदम से बारिश का पता नहीं था. हुई बारिश हुई माइंड का गेम. कुछ तीन चार लोग गिरे भी आज. तीन चार लोग गिरे बारिश एकदम से. टायर प्रेशर सब कुछ सेट नहीं था. थोड़ा हमें भी यूज हो गया था कॉन्फिडेंस बिकॉज हमारा माइंडसेट जो था वो विदाउट ट्रेन था. बट ट्रेन उड़ती एंड वो टेढ़ी पड़ रही थी हमारी तरफ ना, फेस पे आती. उसी तरह से थोड़ा डिस्ट्रेक्शन हुआ. बट हाँ, इन द एंड सब कुछ गुड था. कोई क्रैश नहीं, सब कुछ ऐसा नहीं. फिनिश सेफली. अच्छा, अभी जो साजपा से किलार तक जाने का रूट है, बारिश हो सकती है? बारिश हो सकती है. मानसून शुरू हो गई है, आज से शुरू है. शुरू है आज से. तो बारिश हुई भी थी बेसिकली वहाँ पे कुछ रैकी करने. हाँ, वहाँ बर्फ भी पड़ सकती है, बर्फ भी पड़ सकती है, बारिश भी हो सकती है. तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर इनर्स हैं एंड राइडिंग गियर्स एंड पैडिंग हमारे पास है ही. सो वी हैव प्रॉपर वाटरप्रूफ रेन सूट्स. तो हम वो पहनेंगे बिकॉज बिल्कुल भी पानी नहीं घुसना चाहिए एंड बिकॉज हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी इतने हाई ऑल्टीट्यूड में हम गिरेंगे. तो ये हो गया आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन. मैं रोड की बात करता हूँ बेसिकली. अब रोड में जब पानी आ जाएगा तब क्या करोगे? एक्चुअली इस साल और बर्फ़ भी हो सकती है ऊपर. तो इस साल जैसे स्नोफॉल हुई थी उत्तराखंड में हुई, तो हमने बेसिकली इस बार स्नो में प्रैक्टिस किया है. तो यस, तो हमें पता है कि स्नो में कैसे चलानी है, कैसे होल्ड करना है बाइक को. और अगर स्लिप भी करती है तो कौन से टायर स्नो में कितना हवा टायर प्रेशर होना चाहिए. तो ये चीज़ हम अब ये तो आप बीच में चेंज नहीं कर सकते ना. टायर प्रेशर हम चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते, बट टायर तो वही रहेगा. टायर वही रहेगा. बट हमने एक ऐसा टायर मतलब चूज करा है इंडिया में, एक रालको नाम की कंपनी है जो हमारी बाइक के लिए टायर बनाने विच आर ऑलराउंड टायर. तो मतलब हर टेरेन में वो ग्रिप देगा आपको एंड वो काफ़ी बड़े एंड मोटे नॉब्स हैं. तो मतलब हमारे पास अगर ऑप्शन है कि हम टायर से कम कर सकते हैं तो वो टायर स्नो में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है. अच्छा, हमने प्रैक्टिस करी है स्नो में एंड मतलब हमें पता है क्या कंडीशन में कैसे चलेगा. मतलब अच्छा, बाइक चलाने का इंटरेस्ट बहुत लोगों में होता है लेकिन वो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. तो आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे, वो कैसे वो अपने आप को स्किल अपग्रेड करें? रैली में रेसिस आने के लिए आपको एक अलग माइंडसेट चाहिए. राइट, मतलब आपको एग्रेसिव रफ रेसिंग नहीं करनी है, वैसा कुछ नहीं करना है. आपको पूरा फ्लो मेंटेन करना है ना, आपको फिनिश करनी है रैली. तो फिनिश करनी रैली किसी पोजीशन में आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी करने के लिए बिकॉज इट इज़ इट्सेल्फ इट्स अ टफ थिंग टू डू. मतलब बहुत टफ होती है रैली फिनिश करनी एंड स्पेशली जो हाई ऑल्टीट्यूड रैली जैसी ये वाली है
काफ़ी हाई ऑल्टी रैली है, 15,000 फिट तक हम जाएंगे बाइक से, और नॉर्मली बाइक्स पावर देना बंद कर देती हैं, एंड मतलब हमें लिटरली ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे हमें बाइक उतर के हमें मतलब खींचनी पड़ेगी, बाइक पुश करनी पड़ेगी, अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ती है बेसिकली, क्योंकि एक दिन का चैंपियनशिप नहीं है जी, इसमें हमें 3 दिन चलाने हैं, हमें फिनिश करना है बेसिकली, तो वो इंपॉर्टेंट है कि हमारा वो माइंडसेट मेंटेन करना है, हर दिन मतलब हमारी स्पीड मेंटेन करनी है, हमारा माइंडसेट मेंटेन करना है, हमारा फ्लो मेंटेन करना है, वो एक चीज़ है जो अगर आप चाहते हो ऐसी चीज़ें करना तो फिर आपको आना चाहिए रैली करने के लिए, अदरवाइज अगर आपको रेसिंग वगैरह करनी है देन जैसे ऑटोक्रॉस इवेंट जैसे आज ही हुआ था फर्स्ट स्टेज, ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं इंडिया में, आप उन चीज़ों में ऑटोक्रॉस यू कैन डू दैट, अगर आपको वन डे चैंपियनशिप करनी है बेसिकली ऑटोक्रॉस इज लाइक अ डिफरेंट। तो अभी आपके साथ कई प्रोफेशनल राइडर्स भी होंगे इस राइड में, तो आपको कंपटीशन में के बारे में क्या ख्याल है, तो आपको क्या रहता है कि आप जीतोगे, जीतने की सोचोगे या कंप्लीट करने की सोचोगे आप? एक्चुअली कंप्लीट करना है रैली, बिकॉज जो मेरी फर्स्ट रैली थी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, बिकॉज इतना नॉलेज नहीं था एंड एक्सपीरियंस नहीं था, तो अब उस रैली को देख के थोड़ा एक्सपीरियंस मिला है, एंड आई पर्सनली थिंक मतलब रैली फिनिश करना ज़्यादा एक बड़ा टास्क है किसी पोजिशन में आने से, अगर हम फिनिश करें क्या पता हम पोजिशन मिला दें, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हार जाते हैं लास्ट तक, हाँ, टिक नहीं पाते, और रेड में यही है कि आपको लास्ट तक टिकना, तो पता नहीं होता कि आप पोडियम ले, तो माइंडसेट तो पोडियम का ही है वैसे, तो इंग्लैंड तो पोडियम का है। कोई बात कर रहा था आज कि किसी एक रेडर को दिखा कि ये पिछले साल का चैंपियन है और वो जाके वहाँ गिरा था, तो यानी कि जो प्रो है उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट करें, पिछली बार के विनर हो तो इस बार जरूरी नहीं कि वो विनर होंगे, सडन चेंज हुआ क्लाइमेट में, जो बारिश आई एकदम से उनके टायर प्रेशर थोड़े डिफरेंट है, तो वो ऑन द मोमेंट मतलब उनको जाना पड़ा एकदम से राइट के लिए, उनका नंबर आ गया था, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, मैन उनकी बाइक भी इतनी पावरफुल है तो वो छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर जाती है, बट मेन बात ये कि ये एक दिन की नहीं थी, अभी कल भी है, परसों भी है, तो वो कोक अप कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो 3 दिन का है क्या क्या है, इसमें कौन कौन से हैं इवेंट्स हैं इसमें? इसमें ओवरऑल पूरी रैली में 7 स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस, तो ये जो ऑटोक्रॉस इवेंट है ये फर्स्ट स्टेज मानी गई है रैली की। कौन सी? जो ऑटोक्रॉस जो इवेंट हुआ था यहाँ पे हमें, अच्छा, 2 लैप्स मानी गए, तो इसमें भी पॉइंट्स वगैरह थे आज की, जो हमारी टाइमिंग नोट हुई है वो हमारी ओवरऑल टाइमिंग में ऐड हो गया। अच्छा, तो कल से सेकंड स्टेज स्टार्ट है, कल के दिन में 3 स्टेजेस हैं, सारी आउटस्कर्ट्स में चंबा के, पूरी रोड वाली ट्रेल, थोड़ा ऑफ रोड मिलता है अदरवाइज पूरा रोड का, तो हम इस हिसाब से टायर वगैरह सेट करेंगे, तो इसमें भी टाइमिंग देखी जाएगी, इसमें भी टाइमिंग देखी जाएगी। अच्छा, तो मेन थिंग इसमें सिर्फ टाइमिंग का है कि आप कब छूटे और कब वापस पहुँचे, जो आज हमारी टाइमिंग आई है सबकी आफ्टर 2 लैप्स वो काउंट हुई है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम एक एक करके छूटेंगे बेसिकली कल जी, ये हमारा क्वालिफाइंग लैप है। अच्छा, क्वालिफाइंग लैप से जितने भी टेबल्स में लोग आए उसके हिसाब से उनको स्टेज में स्टार्ट करने का, जो सबसे फास्टेस्ट राइडर आ रहा था वो फर्स्ट स्टार्ट करने का, अच्छा, जो स्लोर 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 हुआ है राइडर उसके बाद बस स्टार्ट करने का। अच्छा, और तीसरे दिन? एंड तीसरे दिन एक्चुअली तीसरे दिन यहाँ पे भटोरी टू चंबा बेसिकली, सूरल से चंबा आना है हमें, कहाँ से? सूरल भटोरी से चंबा आना है एक्चुअली, उसमें थर्ड डे में एक्चुअली काफ़ी लंबा ट्रांसपोर्ट है, रैली में ट्रांसपोर्ट भी होता है, टाइम में इंक्लूडेड होता है, तो हमें एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको इस टाइम के अंदर अपना ट्रांसपोर्ट करना है। आप ट्रांसपोर्ट इस पे करोगे? नहीं, अपनी बाइक्स पर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, अच्छा, सर्विस जी, तो हमें 190 किलोमीटर्स करने हैं ट्रांसपोर्ट, एंड उसके बाद हमारे स्टेज का टाइमिंग भी हमें दिया है, जैसे उन्होंने बोला हुआ कि आपको 4 या 4:30 घंटे दिए हुए इस चीज़ के, तो आपको ट्रांसपोर्ट भी उसमें करना है, यानी आपको स्टेज स्टार्ट पे पहुँचना है अपने टाइम पर, जितना प्रॉफिट टाइम पर पहुँचना है, अदरवाइज अगर आप थोड़ा जल्दी पहुँचते हैं या लेट पहुँचते हैं उसमें आपको पेनल्टीज पड़ती है, आपको अपना टाइम मैच करना है, सब कुछ मैच करना है, स्पीड मैच करनी है अपनी, पूरा ट्रेन मैच करके आपको टाइमिंग पर स्टेज स्टार्ट पर पहुँचना है। आपको अपनी बाइक पर कितना कॉन्फिडेंस है? देखो इस बार अपनी बाइक पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, बिकॉज हमने इसको हाई ऑल्टीट्यूड पर चला के टेस्ट भी किया है एंड परफॉर्म किया है बाइक ने, अच्छा, तो बस मेरे को थोड़ा टायर ऑप्शन वगैरह मैं देखूँ अगर चेंज हो पाएंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो अगर बारिश होती है तो मैं दूसरे टायर पे स्विच करूँगा, अदरवाइज मेरी बाइक काफ़ी अच्छी चल रही है, वेरी कॉन्फिडेंट मतलब बाइक परफॉर्म करेगी अच्छा। अच्छा, कल यानी कि यहाँ सिटी के आसपास चंबा के आसपास में आप, लेकिन जब आप किलाड़ जाओगे तब यही टायर रखोगे?
टायर्स हम यही रखेंगे एक्चुअली, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा ऑलराउंड टायर है एंड सर्विस के लिए भी काफ़ी मुश्किल है बीच स्टेज में आपके टायर चेंज करना है, सब करना, बिकॉज पूरा रैली ट्रैफिक जब चल रहा था तो आपको मतलब ऐसी एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप बाकी रैली ट्रैफिक को बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते हैं, तो आपको अच्छे से अपनी टाइमिंग मैच करके या कुछ करके अपनी टायर चेंज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, हर जगह टीम अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हर जगह टीम अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो आपके साथ पीछे ये आपकी सपोर्ट टीम आ सकती है, इज इट अलाउड? हमारे से इन्हें पहले पहुंचना पड़ेगा बेसिकली, इन्हें प्लेस दे दी जाएगी कि आपको यहाँ जाना है, आप बीच स्टेज में कहीं नहीं आ सकते। अच्छा, वरना वो पेनल्टी हमारे ऊपर लगेगी, उसका कोई चार्जेस होगा तो वो पेनल्टी चार्जेस हमारे ऊपर लगेगी। अच्छा, हमारी सर्विस व्हीकल रैली को इंटरप्ट करती है बीच में कहीं पे, तो उसके हमें पेनल्टी पड़ती है, हमें 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर हमने किसी और का टाइम खराब किया है ऐसे कुछ। अच्छा, तो इस चक्कर से हमें अपनी सर्विस टीम को, तो ये रूट पे मॉनिटर कर रहे होते हैं लोग, उनके लोग होते हैं? हर 3 किलोमीटर पे मार्शल्स होते हैं, मार्शल्स होते हैं एंड पूरी एम्बुलेंसेज होती हैं, इस रैली में उन्होंने बोला है कि हर 5 किलोमीटर में एम्बुलेंस होगी, पूरा प्रिकॉशन के साथ हो रहा है सब कुछ, बहुत सेफ्टी के साथ हो रहा है एंड हमें प्लान करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, तो हमें अपनी सर्विस व्हीकल को टाइमिंग अपने स्टेज स्टार्ट टाइमिंग से बहुत पहले छोड़ना पड़ता है, बिकॉज स्टेज स्टार्ट से 2 आवर्स पहले एक जीरो कार चलती है पूरे ट्रैक पे एंड वो जीरो कार का मतलब है मतलब वो पूरा ट्रेन साफ करते हुए जाएगी, अगर कोई भी ट्रैक पे होगा वो उनको हटाएगी एंड देन वो 2 घंटे पहले जाती है, उसके बाद 2 घंटे तक कोई भी एंटर नहीं कर सकता, नो सर्विस कार कोई एंटर नहीं कर सकता एंड देन उसके बाद स्टार्ट होता है। व्हाट अबाउट रेगुलर ट्रैफिक? रेगुलर ट्रैफिक क्लोज्ड। क्लोज्ड, अच्छा, फुली क्लोज्ड। मतलब आपको पूरी श्योरिटी है कि सामने से कोई नहीं आएगा, बस आप ही चलते हो। ओनली इससे चीज जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम साथ में कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में कोई रेस नहीं है, सब क्लोजर नहीं है सारे। अच्छा, तो लोग जो एंथुसियास्ट जो देखना चाहते हैं वहाँ पर वो देख सकते हैं? वो कैसे देख सकते हैं, वो पहुँच ही कैसे सकते हैं? उनको पहुँचेंगे कैसे वहाँ, और उनकी गाड़ी अलाउड नहीं होगी ना? उनकी गाड़ी अलाउड, उन्हें भी पहले पहुँचना पड़ेगा बेसिक स्टेज अगर देखनी है तो उन्हें काफ़ी पहले प्लान करके जाना पड़ेगा, जीरो कार्स के 2 घंटे से उससे भी पहले उनको पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे एंड उनको अपनी कार लोकेशन देखनी पड़ेगी मतलब रोड पे बिल्कुल भी नहीं आ सकती उनकी गाड़ी एंड उनको भी रोड से मतलब वो बिल्कुल भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं, मतलब रोड के साइड में रह सकते हैं देखने के लिए। अच्छा, आप दोनों फ्रेंड्स हो या पार्टनर्स हो, क्या हो आप दोनों? फ्रेंड्स हैं, बाइकर बडीज। अच्छा, बाइकर बडीज हो साथ में, ये हरिद्वार से आता रहता है, हमारी भैया की मैकेनिक शॉप है तो हम वहाँ बैठते हैं। तो जहाँ मैं आप दोनों की हाइट कंपेयर करता हूँ तो आपका हाइट ज़्यादा है, तो बताइए इससे आपको क्या एडवांटेज, एक्स्ट्रा कोई एडवांटेज है आपको? जी, एडवांटेज है मतलब मेरे को काफ़ी कंडीशन में ऐसा लगता है क्योंकि एक्चुअली मेरी बाइक काफ़ी ऊंची है, तो इस बाइक को चलाने के लिए भी थोड़ी हाइट नॉर्मली चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 6 फीट का होना चाहिए, तो मैं 6'2" हूँ तो मेरे को थोड़ा ईजी लगता है बाइक चलाने में, बिकॉज मेरे ईजिली पैर पहुँचते हैं, मैं पीछे आगे कर सकता हूँ एक्सट्रीम कंडीशन। आपकी हाइट कितनी है? 6'6" और आप 6'2" हो? 6'2" जी। मैं 5'7" हूँ और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने एक्सपल्स पे, पाँव नहीं पहुँचता मेरा, जो पिछली बार गया था 3 बार गिरते गिरते बचा हूँ मैं। जी, ये इसके टायर्स काफ़ी बड़े हैं। अच्छा, तो हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस? चंबा पहली बार आए हैं आप? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, लोग अच्छे, काफ़ी अच्छी यहाँ पे वाइब है, लोग एकदम इंटू है, मतलब हर एक बंदा मोटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी इंटू है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, जो यहाँ पे पुलिस है, लोग यहाँ के आसपास तो मैं भी आपका सपोर्टर ही हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप ना सिर्फ इसको कंप्लीट करें पर जीते भी। ओके, तो हम बाद में पक्का चंबाएंगे ना आपके साथ, खेलर जाएंगे हम, मस्ती मारते जाएंगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी एंड सेफ राइडिंग, राइट, थैंक यू।